नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्यतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयाभरणं भवतीयदनुभावादेडमोकोऽपि वाग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनते तु देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते। अस्मद्गुरुतमारम्भ टीकाकृत्पादमध्यगाम श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धि चंदिरं दुर्मतत्पान्तमार्तांडं सत्यध्यानमलिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नोदरं भजे। बंधुस्तं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादमङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनन्माकृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्ग्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं सुखवत्सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे वेणुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्त्यस्तु। अथेन तन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतले धर्माद्यखिलपूर्णार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृतिविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। पिछले प्रवचन में हमने ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह ये छह कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण के होते हैं, लेकिन वेद को पढ़ाना जो है, वेद और शास्त्र का पढ़ाना जो है, उसे हम पैसे लेकर के यदि करते हैं हम बहुत बड़े दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं। उस समय विद्या को कभी बेचना नहीं, वेद और शास्त्र को बेचना कभी होता है। हम छह तरह से वेद और शास्त्र को बेचते हैं, वो छह तरह से बेचना छोड़ देना चाहिए। मुझे वेद में जो तत्वज्ञान उसका प्रचार करना है। आजकल मिशनरी लोग घर घर जाकर के और कभी रोड में, कभी स्टेशन पे, कभी दूसरे धर्म के लोग भय दिखा करते, लेकिन ऐसा नहीं। वेद में जो कुछ रहस्य विषय हैं जो स्वयं आकर के समझने हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब शरणागत आकर के शादिमाम शिष्यस्ते हम शादिमाम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ जानना चाहता हूँ, उसी को बताना वेद रहस्य योग्य है।
कोई भी अयोग्य व्यक्ति भी सुने लेकिन मुझे कीर्ति प्राप्त हो जाए। क्या वेद को शास्त्र को बेचना है। और जहां वेद सुनने को इंटरेस्ट नहीं है किसी को, तो उस समय उन लोगों को बैठो मैं सुनाता हूं, तो पीछे से वे निंदा करते हुए कभी कदम करेगा। अयोग्य लोगों के समूह में वेद का उच्चारण जोर से करना यह प्राध्ययन नाम का एक दोष है, यह भी वेद को बेचने के जैसा होता है। और ब्राह्मण होकर के अपने से दूसरे वर्ण के व्यक्ति से के वेद और शास्त्र सीखेगा, उसे प्रश्न पूर्व प्रतिग्रह इस तरह दोष बताते हैं शास्त्रों में। ये ब्राह्मण की विशेषता क्यों? ब्राह्मण की विशेषता क्यों? ब्राह्मणी क्यों चाहिए? स्पष्ट रूप से भागवत में कहा गया है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। भगवान ने ब्राह्मण को ही गुरु होने के लिए उस तरह के वेद गुण ब्राह्मणों में उसने रखा है। दूसरे वर्णों के लिए रजोगुण तमोगुण की आवश्यकता होती है उनके काम के अनुसार, इसलिए उस तरह भगवान ने उनको रखा। तो इसके लिए अब्राह्मण से कोई भी तत्व शास्त्र भगवत गीता भागवत वेद शास्त्र इसे हमें नहीं सीखना। इस तरह सीखेंगे तो उसे कहते हैं प्रश्न पूर्व प्रतिग्रह। आजकल थोड़ा इंग्लिश इतना थोड़ा ज्यादा सीख करके 5-6 साल है इस्कॉन में, और कुछ 5-6 साल का सिर्फ प्रवचन का, उनको संस्कृत नहीं आती है या कोई शास्त्र के बैकग्राउंड नहीं रहती है, लेकिन उपनिषद पर 10 प्रवचन और भगवत गीता पर 8 प्रवचन ये सब सिखाते हैं कि उतना तैयार करके बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन यह पोपटपंथी जो उपदेश है उसे सीखना योग्य नहीं है। और एक अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति मतलब अभी विकास दुबे आपने देखा भी, गैंगस्टर या कोई चोरी करने वाला या शराब बेचने वाला, जो शास्त्र विहित कर्म नहीं करता है उसका पौरोहित करना, इसे कहते हैं अयोग्य याजन। इस तरह बोलते हैं हमसे नहीं करना, पैसे देते होंगे हमसे नहीं होता, पाप का पैसा हम पर आए हम भी पापी बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का पैसा उस तरह की भावना। इसलिए किसी ने मुझे बीच में पूछा, गुरु जी आपका ट्रस्ट है, हम आपको ऐसे कुछ कंपनी या मारवाड़ी लोगों से आपको पैसा दिलाएंगे, 30% आप रख लीजिए या 25%, दूसरा फिर वापस उसे वाइट करके दे दीजिए, वह पैसा हमारे संपूर्ण तपस्या हमारे पुण्य और हमारे जो भी आराधना जो भी उपासना है सबको नष्ट कर देते। भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मण गरीब रहो, एक एक ही पान भजन मतलब संतुष्ट रहो,
लेकिन ऐसा काम कभी नहीं। तो उससे क्या कहते हैं, अयोग्य अध्यापन इस तरह बोलते हैं, अयोग्य याजन। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है, जो व्यक्ति आचरण के नियम पालन नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, पारायण नहीं करता, शिखा नहीं रखता, तो थोड़ा उसमें कंसेशन दे सकते हैं, संदर्भ करते हैं। तो उसको वेद सिखाना यह अयोग्य अध्यापन बोला जाता है। किसी भी वेद उपनिषद निकाल के देखो, कितना भी बड़े विद्वान आते हैं, यह विषय मुझे मालूम नहीं, तो एक साल सेवा करो, बाद में देखो, क्योंकि उनको विद्या फलित होने के लिए उनसे सेवा कराना अत्यंत आवश्यक। सेवा के बिना जो विद्या मिलती है वह विद्या हमें कभी सुख के लिए कारण नहीं बनती। और उसके बाद गुरु जी मुझे वेद सीखना है, कितना लेंगे? 17,000, 10,000, क्या हर साल 5-6,000? उसको वेद विक्री कहते हैं। उससे सीखना भी नहीं चाहिए और वैसे लोगों को सिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेद विक्रय शास्त्र विक्रय इत्यादि नहीं होना। आप लोगों ने देखा होगा अनेक विद्यापीठ में, अनेक मठों में सेवा लिस्ट लगाते हैं, तो बच्चा मतलब इसे के लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, वो शास्त्र विरुद्ध है। हमारे विद्यापीठ में कहीं पर तुमने बोर्ड देखा है? वह विक्रय नहीं होना। तो इसलिए इस तरह के दोषों से युक्त हो करके हम अध्ययन करेंगे तो वह अध्ययन भी नहीं माना जाता है। और स्वाध्याय प्रवचन, ध्यान प्रवचन इत्यादि जो हमारा 2 या 3 एपिसोड से शुरू है, उसमें यह विघ्नकारी है। इसलिए शास्त्रों में कहा प्रख्यापनम प्राध्ययनम प्रश्न पूर्व प्रतिग्रह याजन अध्यापने वाद षड विधो वेद विक्रय। इसको वेद विक्रय नहीं करना चाहिए, चाहे एक पैसा भी ना दे जाए तो करना चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, त्रिवेणी में बहुत श्रेष्ठ राजा कर गया और परम वैष्णव था, भागवत पर इतना प्रेम था, जो भी भागवत सप्ताह करते थे, भागवत कहते थे, उनको उस समय लाखों रुपया देता था। इसलिए एक विद्वान सुना तो बहुत पैसे मिलते हैं, ताजे के पास गए, ताजे को कहा मैंने भागवत के इतना अच्छा अध्ययन किया है, अभी तक अपने भागवत प्रवचनकारों को या पाठ कहने वालों को जितना दिया है, आप मेरे भागवत सुनकर डबल देंगे? तो राजा ने कहा आपके बातों से लगता है आपका भागवत का अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। एक काम करो, मेरे राज्य में ही रहो, आपको सभी सुविधा हम देंगे, आपके शिष्य के साथ खाना पीना सब कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी, आप अध्ययन एक साल तक अच्छी तरह से अध्ययन करके आओ। दूसरा साल आया, अभी अभी सब व्याकरण पीकरण सब के साथ मैंने अध्ययन किया है, राजा आप इतना खुश होंगे देखो। तो राजा ने कहा मुझे भी अभी लगता है
अब तो भागवत का रहस्य मालूम नहीं पड़ा। फिर अध्ययन तीसरे साल भी, लेकिन वे भी एक निश्चय ही थे, राजा को सुनाकर ही मैं जाऊंगा। जब तीसरा साल है, चौथा साल, तब उन्होंने पांडित्य पर लक्ष्य नहीं दिया। भागवत में जो भाव है, भावना है, उस पर ध्यान देते हुए जब पढ़ने लगे, शुरू से अंत तक एक ही उनको भागवत में दिखाई दिया, जो करते हो भगवान के प्रीति के लिए, जो करते हो भगवान के अनुग्रह के लिए करो, किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए नहीं, किसी तरह की संपत्ति के लिए नहीं, मेरे इस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं। जब वो मालूम पड़ा, उन्होंने कहा राजा को मैं क्यों संतुष्ट करूं, मेरे भागवत कहते हैं जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान देंगे तो चप्पर फाड़ करके देंगे, वो राजा के पास आया ही नहीं। राजा ने देखा एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, तब राजा एकदम सादा वेट लेकर के परिवार समेत उनके पास गया। अभी आपको भागवत का रहस्य मालूम है, इसलिए आप भगवान के अनुग्रह के लिए हमें भी भागवत सुनाएं। इसलिए सभी ब्राह्मण के लिए यही सूचना है, वेद शास्त्र पठन पाठन या श्राद्ध कराना, सत्यनारायण पूजा कराना, होम कराना, यज्ञ कराना, जो भी है, यजमान को संतुष्ट करने के लिए, यजमान से ज्यादा पैसा मिलता है इस आशा से कभी मत करो। वह पैसा आपके जिंदगी में सुख नहीं देगा, कहीं पर खर्चा हो जाता है। हाँ, यजमान ने बोला है कराना, यहाँ के नवग्रह देवता और यहाँ के वास्तु देवता और यहाँ के दूसरे नक्षत्र देवता इत्यादि, उसके अंतर्गत सुशुमार की संप्रीति के लिए, भगवान आप प्रीत हो इस तरह एकाग्रता से करो, और जो वह दक्षिणा देगा लेकर आइए। वो पूछेगा कि साधारण क्या इस होम के लिए कितना खर्चा आता है, तो उसे बताना बहुत जरूरी है। अभी फिर दूसरा प्रश्न होगा, कोई पूछेगा तो उसको क्या बोलना चाहिए, कितनी दक्षिणा बोलनी चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है क्या? हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे ऐसे कर्म के लिए इतनी दक्षिणा देनी है। अभी आप गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोकन और जात कर्म, नामकरण, चौल अर्थात जावल तक जो भी काम कराते हैं, तो उसे बोलना चाहिए एक वासुल, एक बछड़ा, गाय के बछड़े का जितना मूल्य होता है, या तो बछड़ा दो या उसका मूल्य दो, इतनी दक्षिणा देना कंपलसरी बताया गया। यजमान को बताना चाहिए, क्योंकि यजमान को क्या कहता है, मेरे परदादा घर में पवमान होम करा करके 2 रुपया देते थे, तो मैं भी दूंगा, यह उसको पुण्य नहीं आएगा। यजमान को या छात्र को विषय बताना चाहिए, उपनयन कराएंगे तो एक गाय का जो मूल्य कम से कम मूल्य हो चाहे चलेगा, उतना मूल्य दान में देना है। इसलिए पुण्यावचन में आप नांदी श्राद्ध में क्या करते हैं, आप नांदी श्राद्ध में बोलो सत्यवसों ने कहा, सत्यवसों ने कहा नाम सत्यवाजा नाम नांदी नांदी में कहा युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तम अन्न निष्क्रिय भूतम गो निष्क्रिय भूतम किंचित हिरण्यम स्वाहा, इस तरह ऐसा ही है। यजमान को समझाना चाहिए, बल्कि शास्त्र में ऐसा है, आपकी शक्ति हो तो उतना करो,
नहीं तो दिमाग अज्ञान में रहता है तो कम देता है तो हमें मन से असमाधान होता है, उसको बुरा हो जाता है, इसके हमें कभी असमाधान नहीं होगा। अब शादी कराएंगे या कोई भी होम कराएंगे, बोलना चाहिए गाय और बछड़े के साथ उसे जितना मूल्य होता है उतना मूल्य दीजिए। बोल रहे तो गाय बछड़े ला करके दीजिए या उसका मूल्य दीजिए, क्योंकि आजकल हम घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं तो गाय पाल नहीं सकते हैं, उसके बदले तत् प्रत्याम नाया गो निकुलम किंजरण्यम स्वाहा, उसका अर्थ उनको मालूम नहीं होता, बताना चाहिए। अभी कम से कम 3 दिन का यज्ञ है, 2 गायों का मूल्य, 10 दिन तक के यज्ञ के लिए 5 गाय और बछड़े का मूल्य, और 1 महीने का है 12 गाय। यह सब मेरी कल्पना नहीं है, शास्त्रों में कहा गया इतनी दक्षिणा देंगे तो वह कर्म पूर्ण होगा, नहीं तो वह तामस क्रिया बनाया उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा, किसी भी श्राद्ध हो, होम हो, हवन हो, कोई आध्यात्मिकता हो, उसमें 4 भाग अनिवार्य है, मंत्र उच्चारण स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, विधि बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, और कम से कम अन्नदान होना चाहिए। कम से कम अन्नदान बोला है, चौल तक दश ब्राह्मणा भोज्या, उपनयन में 50 ब्राह्मणा भोज्या, 50 ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए, शादी और इत्यादि होम इत्यादि में 100 ब्राह्मणा भोज्या। लेकिन हम क्या होता है, पुरोहितों को मालूम नहीं, यजमान को तो मालूम ही नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, आप देओ या न दो, जब आपसे पूछेंगे इसका क्या है उनको बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप जो भी धर्मशास्त्रिक विधान है, विधान के बाद कर्म कर्म समुच्चय है, बाद में क्या कितना देना चाहिए उसका विवरण है, तो कहीं पर नहीं है कहीं पर है, लेकिन धर्मशास्त्र में यह विधान है। लेकिन मंत्र और विधान प्रोसीजर आप लोगों की जिम्मेदारी, यजमान खुश या ना खुश हो छोड़ो, वो मंत्र बोलने से वो देवता खुश होते हैं, देवता जब देने लगे तो ये यजमान कितने देंगे। इस भावना से नवग्रह ना है तो सूर्य की उपासना करते हुए पूजा करो, होम करते समय में भी उससे बात करो, इससे बात करो, कोई गया तो तमाशा करो, आहुति डालो नहीं, आजकल कभी कभी यही चेष्टा होती है, नहीं तो नहीं। श्राद्ध के पहले क्या कहते हैं, अक्रोधनी शौच परे ही सततम ब्रह्मवाद भी, यह विधान पूरे होने तक दोनों गुस्से में नहीं आएंगे, यजमान और पुरोहित दोनों गुस्सा नहीं करेंगे, और होने तक हम पवित्र ही रहेंगे। नहीं तो देवता स्थापन किया, बाहर जाकर गुटखा खा करके आया, आजकल ब्राह्मणों में भी गुटखा तंबाकू शुरू हो गया। एक आदमी आए थे हमारे यहाँ, बहुत बड़ा यज्ञ था, बीच बीच में जाकर के कुछ खाकर आया था, तो इसके लिए वह योग्य पुरोहित नहीं, शौच पर ही पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। एक बार दीक्षा लेकर बैठ गए पूरा होने तक, इतना ही नहीं पिछले दिन बहुत कम खाना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए, क्योंकि होते समय बीच में नंबर 1 और 2 के लिए भी उठना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा आएगा ना मन में निश्चय का तो आएगा भी नहीं, एक जगह पर बैठना चाहिए।
मंत्र है और दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन यजमान की जिम्मेदारी है, वो उसे करेंगे। किस तरह मनुष्य को ध्यान, अध्ययन, यज्ञ, अध्यापन में ये सब नियम पालन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आचार्य जी बोलते हैं तो 11 बजे फिर स्नान करो और भगवान की पूजा। तो भगवान की पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना है भगवान की पूजा के लिए कौन कौन से साधन चाहिए, कितनी सामग्री को पहले तैयार करना है। याद रखो, तैयार किए बिना पूजा को मत बैठो, नहीं तो दान करके आ गए, ए तड़ी पट्टी ला कर दे, और ए कलश ला कर दे, ए घी ला कर दे, पूजा के बीच में नहीं, सब तैयार करके ही पूजा को बैठना चाहिए। पूजा के लिए जो पात्र हैं, आचमन पात्र, कलश पात्र और पानी छोड़ने के लिए अर्घ्य पात्र इत्यादि सब तैयार करके रखना चाहिए। दूसरा शुद्ध वस्त्र, इस हमें 16 बोलते हैं क्या, सूची वस्त्र। आजकल शर्ट डाल करके भी पूजा कराने वाले बहुत गलत है। तीसरा कलश, चौथा गंध, पांचवा अक्षता, छठवां तुलसी, सातवां फूल और फल, आठवां पंचामृत के सामान, नौवां देव पूजा के लिए आरती करने के लिए, अभिषेक करने के लिए और धूप दिखाने के लिए जो भी चाहिए वह सभी। उसके बाद पूजा के लिए 5 जरूरत है, मैं वैष्णव के बारे में बता रहा हूँ, मैं पंचायतन पूजा के बारे में नहीं बता रहा हूँ। वैष्णव के पूजा के लिए एक शालिग्राम अत्यंत आवश्यक है, एक सुदर्शन शालिग्राम, तीसरा चक्रांकित, पांचवा एक भगवान की मूर्ति, कृष्ण राम जो भी नरसिंह इत्यादि एक मूर्ति, और विष्णु पाद, ये 5 होंगे तो वह तीर्थ माना जाता है। 5 में एक भी कम है वह तीर्थ नहीं माना जाता, बाद में उसके बारे में विस्तृत वर्णन। शंख चाहिए, घंटा चाहिए, 13वां धूप चाहिए, 14वां दीप चाहिए, 15वां नैवेद्य चाहिए, 16वां तांबूल चाहिए। इतने रख करके हमें शुरू करना है। और ये ही भगवान के पात्र सोने के चाहिए, चांदी के चाहिए, क्या तांबा का चाहिए, क्या पीतल का चाहिए, क्या स्टील का चाहिए इत्यादि, ये 16 कैसे रहना चाहिए हम कल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, देखो समझना अत्यंत आवश्यक है, हम जितना सकते भगवान स्वीकार करें, लेकिन मालूम रहना चाहिए हम क्या गलतियां करते हैं। धर्मशास्त्र बहुत विस्तार रूप से, सिर्फ देव पूजा के लिए 100 किताब आपको मिलेंगे विस्तृत रूप से। आचार्य जी ने यहाँ पर इसमें संक्षेप में देव पूजा के बारे में 2 श्लोक बताया, लेकिन इसका विधान उन्होंने अपने तंत्र सार संग्रह ग्रंथ में, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनुसंधान क्या होना चाहिए, भगवान की मूर्तियां कैसे और आवाहन कैसे इत्यादि विस्तार रूप से उन्होंने तंत्र सार में दिया गया है। उसी को आधार रख करके मैं देव पूजा के बारे में एक 10-15 होंगे एपिसोड, लेकिन उसे हम ठीक तरह समझने की हम कोशिश करेंगे।
हमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि एक ही विषय इतना विषय आपको एक दो प्रवचन में बता नहीं सकते हैं, सिर्फ बता नहीं, या तो इसको प्रवचन समझे, पाठ समझे, कुछ भी समझे, लेकिन इसको अच्छी तरह से सुन करके मालूम करें हमें क्या करना है। जितना होता है करो, लेकिन क्या करना है तो मालूम रहना चाहिए। हम कल से देव पूजा सामग्री और देव पूजा के संदर्भ, बाद में उसके मंत्र, मंत्र का अर्थ, यह भी हम विस्तार से संध्या वंदन के लिए हमें कम से कम 40 या 45 दिन लगे, और इसके लिए भी 35-40 तो दिन मिनिमम चाहिए। तो लेकिन यह एक आपके लिए एक कोष के जैसे बन जाएगा। मैं 10-20 किताब यहाँ वहाँ संग्रह करके आपको मैं बोल रहा हूँ, अवश्य इसे सुनने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।